बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। टुडेज़ टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ टेट्रासाइक्लिन। तो प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने ये देखा था कि जो टेट्रासाइक्लिन, मैक्रोलाइड, क्लिंडामाइसिन, क्लोरामफेनिकोल, स्ट्रेप्टोग्रामिन किस तरह से काम करते हैं, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखा था। अब हम देखने वाले हैं क्या चीज़ इनके इनके क्या देखने वाले हैं इनके वन बाय वन इनके यूज़ को। अब प्रीवियस वीडियो में थोड़ी सी एक मिस्टेक हो गई थी, वो मिस्टेक क्या थी कि जो था स्ट्रेप्टोग्रामिन इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स को ब्लॉक, इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स को बनने नहीं देती, बल्कि ये था लिनोजोलाइड था। जो लिनोजोलाइड था वो बैक्टीरियोस्टेटिक थी, वो इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स को फॉर्म नहीं होने देती थी, स्ट्रेप्टोग्रामिन नहीं था ऐसा, ठीक है। अब हम चलते हैं टेट्रासाइक्लिन को। तो टेट्रासाइक्लिन होती क्या, टेट्रासाइक्लिन ये वो क्लास है जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम बैक्टीरियोस्टेटिक होती है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब होता है बहुत सारे बैक्टीरिया के अगेंस्ट यूज़ करते हैं, बैक्टीरियोस्टेटिक मतलब ये ग्रोथ को सप्रेस कर देती है। अब हम इसके क्या देख लेते हैं, फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स में क्या चीज़ें आती है, आदमी, ए से एब्जॉर्प्शन, डी से डिस्ट्रीब्यूशन, एम से मेटाबॉलिज्म, ई से एलिमिनेशन। अब इनके रूट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या है, ओरल एब्जॉर्प्शन है, ठीक है, ओल्डर के लिए तो रूट ऑफ एब्जॉर्प्शन है। कहते हैं कि अगर फूड वगैरह लेते हैं साथ या मल्टीवेलेंट के टाइम लेते हैं, कैल्शियम, आयरन, एल्यूमिनियम, तो ये क्या कर देती है, उनकी एब्जॉर्प्शन को ब्लॉक कर देती है। इसके साथ डिस्ट्रीब्यूशन है तो इसकी वाइडर टिश्यू डिस्ट्रीब्यूशन है और ये प्लेसेंटा को भी क्रॉस कर सकती है। दैट इज़ वाई दिस इज नॉट यूज इन प्लेसेंटा, सॉरी प्लेसेंटा कह रहा हूँ, प्रेगनेंसी में यूज नहीं करते। इसके बाद नंबर थ्री होता है मेटाबॉलिज्म। तो इनकी एंटीरो हिपैटिक साइक्लिंग होती है, मतलब इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होने के बाद लीवर के पास आ जाती है। तो एक है डॉक्साइक्लिन है, डॉक्साइक्लिन फीसिस के अंदर एक्सक्रिएट होती है, बाकी सारी यूरिन के अंदर होती है। तो ये आपने एमसीक्यू में देख लेना है, ठीक है, डी एफ से आपने याद रखना है। इसके बाद है जो इनकी एलिमिनेशन को देख लेते हैं। कहते हैं जो हाफ लाइफ डॉक्साइक्लिन की और मिनोसाइक्लिन की काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है, मिनोसाइक्लिन की काफ़ी ज़्यादा होती है। और इसके साथ साथ तो एक और है टीगोसाइक्लिन है, ये बाल के अंदर एक्सक्रीट होती है। बाकी आपने हाफ लाइफ ज़्यादा याद नहीं करनी, सिर्फ ये याद रखना है कि किसकी हाफ लाइफ ज़्यादा होती है, तो डॉक्साइक्लिन और मिनोसाइक्लिन की होती है। अब इनकी एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी, मतलब किन किन बैक्टीरिया के अगेंस्ट हम यूज़ कर सकते हैं, ये हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इनके अगेंस्ट यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी होती है जो ग्राम स्क्रीनिंग नहीं लेते होते, उनके अगेंस्ट भी हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको पता है क्रिकेट्स या क्लाइमेडिया, दोनों हमारे ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट होते हैं, तो इनके अगेंस्ट भी हम यूज़ कर सकते हैं रिकेट्सिया या क्लाइमीडिया में। इसके साथ साथ छोटा बैक्टीरिया माइकोप्लाज्मा के अगेंस्ट भी यूज़ कर सकते हैं और प्रोटोजोआ के अगेंस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसके रेजिस्टेंस का मैकेनिज्म क्या होता है, क्योंकि एंटीबायोटिक्स है तो रेजिस्टेंस तो होगी, तो रेजिस्टेंस किस तरह से है? पहला, जिस तरह हमारी बॉडी के अंदर इफ्लक्स पंप होता था जो कि इंट्रासेलुलर एक्युमुलेशन को कम से कम करता था, ठीक है, तो पहला इफ्लक्स पंप हो गया। दूसरा क्या हो गया कि कुछ राइबोसोमल प्रोटेक्शन प्रोटीन बनती है, राइबोसोमल प्रोटेक्शन प्रोटीन बनती है जो टेट्रासाइक्लिन की बाइंडिंग को इंटरफेयर करती है, टेट्रासाइक्लिन को बाइंड नहीं करने देती, राइबोसोमल प्रोटेक्शन प्रोटीन होती है, ठीक है। लेकिन ये मैकेनिज्म एक एंटीबायोटिक अगेंस्ट काम नहीं करते, इसी ग्रुप की क्लास में उसको बोलते हैं टीगोसाइक्लिन होती है, टीगोसाइक्लिन में काम नहीं करते होते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी आपको एक्सेप्शन देखने को मिलती है कि एक्सेप्शन क्या है कि बाज़ोकत मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस स्ट्रेन आ जाती है, किसकी, प्रोटीज की, सूडोमोनास की, तो उनके अगेंस्ट ये रेजिस्टेंस हो जाती है, वरना दूसरे बैक्टीरिया के अगेंस्ट रेजिस्टेंस नहीं होती। क्लिनिकल यूज़ क्या क्या होगा, अब इनका जो किन किन कंडीशन के अंदर रिकमेंडेड होगा, अब माइकोप्लाज्मा नमोनिया है, इसके साथ रिकेट्सिया, क्लाइमीडिया है, विब्रियो, विब्रियो क्या ग्राम नेगेटिव है, स्पायरोकिड्स, अभी स्पायरोकिड्स अभी अलहदा से क्लास के अंदर आ गया, स्पायरोकिड्स, ठीक है, ये इसमें इस्तेमाल करते हैं। जो डॉक्साइक्लिन है, कहते हैं मैक्रोलाइड से अल्टरनेटिव होती है इन द ट्रीटमेंट ऑफ कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, ठीक है, एक होता है हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया, एक होता है कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया। कम्युनिटी का मतलब पीपल और हॉस्पिटल का मतलब जो हस्पताल वगैरह में। तो प्राइमरी यूज़ क्या हो गया, माइकोप्लाज्मा निमोनिया को आपने अंडरलाइन कर लेना, इसके साथ क्लाइमीडिया का, रिकेट्सिया का, विब्रियो का और स्पायरोकिड्स का इन्फेक्शन। अब इसका सेकेंडरी यूज़ क्या होगा, स्पायरोकिड्स में एक एग्जांपल आती है साइफिलस, तो उसमें इस्तेमाल हो सकता है, उसमें इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। दूसरा जो रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन होते हैं ग्राम नेगेटिव रॉड से रिलेटेड टू रिस्पायरेटरी ट्रैक, उसके लिए इस्तेमाल हो सकती है, या क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, सांस वगैरह के लिए, या लेप्टोस्पायरोसिस या एक्नी वगैरह को ठीक करने के लिए इस्तेमाल होती है। इसके बाद लिखा हुआ है सिलेक्टिव यूज़, सिलेक्टिव यूज़ का मतलब बीमारियों के नाम बताएगा, ठीक है, किन किन के अगेंस्ट। फॉर एग्जांपल अगर अल्सर होता है, अल्सर काज पर हेलिकोबैक्टर पायलोरी, तो उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर लाइम डिजीज़ है जो किसके वजह से होती है, बोरेलिया ब्रैगडॉर्फोरी की वजह से होती है, तो उसके लिए डॉक्साइक्लिन इस्तेमाल करते हैं। मेनिनजोकोकल कैरियन स्टेट है तो मिनोसाइक्लिन यूज़ करते हैं। डॉक्साइक्लिन मलेरिया के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मेइबियासिस के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि एंटी मलेरियल है, क्या ये वाकई में एंटी मलेरियल है। हम एंटी मलेरिया वाले चैप्टर में जाते हैं और वहाँ से देखते हैं कि वाकई में एंटी मलेरियल लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ। तो ये होगा एंटी प्रोटोजोआ। तो आप यहाँ पे नोट कर सकते हो कि यहाँ पर क्लोरोक्विन वैसे यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, लेकिन इसने कहा है कि डॉक्साइक्लिन इसके लिए इस्तेमाल होती है, ओमाइबियासिस के लिए भी इस्तेमाल होती है डॉक्साइक्लिन, लेकिन वहाँ पे नहीं लिखा हुआ। इसके साथ है डिमियोसाइक्लिन है, जो डिमियोसाइक्लिन है ये इस्तेमाल होती है किसके लिए,
ये जो एडीएच सिक्रेटिंग ट्यूमर होता है, सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एडीएच है, उसके लिए इस्तेमाल होती है, क्योंकि एडीएच के एक्शन को ब्लॉक कर देती है। तो ये डिमेक्लोसाइक्लिन है, ठीक है, वो किस तरह से इस्तेमाल होती है, सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एडीएच के अंदर। मलेरिया और ओरोमाइबियासिस में डॉक्साइक्लिन है, मिनोसाइक्लिन इस्तेमाल होती है, मेनिंजोकोकल कैरियर स्टेट में, लाइम स्टेट के अंदर डॉक्साइक्लिन इस्तेमाल होती है, हेलिकोबैक्टर पायलोरी के अल्सर के अंदर यह यूज़ होती है। तो सिलेक्टिव यूज़ का मतलब कोई बीमारी वगैरह देगा, कोई डिजीज वगैरह, तो उनके अंदर कौन कौन सी है। इसके बाद एक छोटी सी ड्रग रह गई है, वह है टिगोसाइक्लिन है, टिगोसाइक्लिन है। तो टिगोसाइक्लिन का क्या यूनिक फीचर है कि इसका ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है, मतलब बाजू का ऐसा होता है कि जो हमारी स्टैंडर्ड टेट्रासाइक्लिन होती है, जो हमारी अमाइनोसाइक्लिन हो गया, डॉक्साइक्लिन हो गया, इनके खिलाफ रेजिस्टेंस आ जाती है। तो फिर उनकी रेजिस्टेंस आ गई है तो उनके अगेंस्ट हम कौन सी एंटीबायोटिक यूज़ करें, तो जो यूज़ करते हैं वह टिगोसाइक्लिन यूज़ करते हैं, यानी जो रेजिस्टेंट स्ट्रेंस होती है ना उनके लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्राम पॉजिटिव कोकाई होती है, ग्राम पॉजिटिव कोकाई में स्टैफिलोकोकस वगैरह आ जाता है, इसकी मर्सा स्ट्रेन है, वेनकोमाइसिन के रेजिस्टेंट आ जाती है, तो उसको बोले कि वेनकोमाइसिन रेजिस्टेंट स्ट्रेन है, ठीक है। बीटा लैक्टिन इज प्रोड्यूसिंग ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं, एनरोब्स होती है, उनके लिए स्पेसिफिकली यूज़ करते होते हैं। अब इनके टॉक्सिटी को देख लेते हैं। अब टॉक्सिटी जीआईटी के ऊपर, बोनी स्ट्रक्चर के ऊपर, हेपेटिक टॉक्सिटी के ऊपर, रीनल टॉक्सिटी, फोटोसेंसिटिविटी और वेस्टिबुलर टॉक्सिटी। पहले जीआईटी डिस्टर्बेंस, जीआईटी डिस्टर्बेंस में वही नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया वगैरह हो जाएगा, ठीक है। कभी कभार ऐसा होता है कि एंटीरो कोलाइटस हो जाता है, एंटीरो का मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन, कोलोन का मतलब लार्ज इंटेस्टाइन, तो पूरी स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन की इन्फ्लेमेशन को एंटीरो कोलाइटस बोलते हैं। कहते हैं कि अगर इस हमने ज़्यादा यूज़ कर लिया तो हमारा नॉर्मल फ्लोरा डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से कैंडिडियासिस हो जाएगा, ओरल और वजाइनल थ्रश हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है बोनी स्ट्रक्चर। आपको पता है कि टेट्रासाइक्लिन यूज़ करने की वजह से क्या होता है, टीथ डिस्कलरेशन होना शुरू हो जाती है, इसके वजह से जो टूथ का इनेमल है उसका डिस्प्लेजिया होना शुरू हो जाता है, और बोन की ग्रोथ में इरेगुलरिटी देखने को मिलती है, और इसको प्रेगनेंसी के अंदर कॉन्ट्राइंडिकेटेड करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर इसको यूज़ कर लिया तो फिर क्या होगा, टीथ एब्डोमेलिटीज़ देखने को मिलेगी, ठीक है। उसके साथ साथ बोन्स की जो ग्रोथ होती है वो सप्रेस हो जाती है। इसके बाद है हेपेटिक टॉक्सिटी। हेपेटिक टॉक्सिटी क्या होगा, हेपेटिक सिरोसिस हो जाएगा, नेक्रोसिस हो जाएगा। रीनल टॉक्सिटी क्या होगा कि रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, जिसको बोलते हैं फैनकोनी सिंड्रोम, कहते हैं फैनकोनी सिंड्रोम, जिसमें प्रॉक्सिमल ट्यूबुल से रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाती है, वो इसी की वजह से हो सकती है, टेट्रासाइक्लिन ज़्यादा यूज़ करने की वजह से। इसके बाद है फोटोसेंसिटिविटी। कहा था कि जो उसकी लो डोज होती है ना तो वो एक्ने वगैरह के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन अगर ज़्यादा यूज़ कर लिया ना तो ये जो स्किन की सेंसिटिविटी अल्ट्रा वायलेट लाइट्स के लिए काफ़ी बढ़ा देती है। इसके बाद है वेस्टिबुलर टॉक्सिटी। वेस्टिबुलर टॉक्सिटी हो जाएगी, इसके वजह से डिजीनेस, वर्टिजो हो जाएगा, ठीक है। तो ये किसके वजह से होता है, ये भी टेट्रासाइक्लिन की वजह से होता है। अब हम इसको यहाँ से देख लेते हैं टेट्रासाइक्लिन को, कि जो स्किन किन के लिए यूज़ होती है, क्लाइमेडिया हो गया, रिकेट्सिया हो गया, माइकोप्लाज्मा हो गया, स्पाइरोकीट्स हो गया, हेलिकोबैक्टर पायलोरी हो गया, एक्ने वगैरह इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद वो डिजीज़ कौन कौन से थे, डिजीज़ आपको बताया था हेलिकोबैक्टर पायलोरी की वजह से, अल्सर था, लाइम डिजीज़ था, मलेरिया था, ओरोमाइबियासिस था, और कौन कौन सी चीज़ें थी। और अगर आप यहाँ से देखना चाहो तो यहाँ पर मेनिंजोकोकल कैरियर स्टेट थी, और जो डिमोक्लोसाइक्लिन थी, जो सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एडीएच के अंदर इस्तेमाल होती है। क्या इसकी टॉक्सिटी होती है, जीआईटी एब्सेंट है, क्या होता है कि इसकी बोन के अंदर और टीथ के अंदर डेपोजिशन होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से इनेमल की हाई डिस्प्लेजिया करवा देती है। इसके साथ फोटोसेंसिटिविटी और सुपर इन्फेक्शन। सुपर इन्फेक्शन का मतलब क्या हुआ कि हमारे जो नॉर्मल फ्लोरा होती है ना उनकी ग्रोथ को सप्रेस कर देती है, जिसके वजह से कोलिस्टीडियम डिफिसल, स्टाफिलोकोकस ओरियस और कैंडिडियासिस का इन्फेक्शन कॉमन हो जाता है। इसके बाद है मैक्रोलाइट्स। तो मैक्रोलाइट्स में ओल्डर और न्यूअर आ जाती है, न्यूअर यानी सेमी सिंथेटिक होती है, एजिथ्रोमाइसिन और क्लेथ्रोमाइसिन क्या सेमी सिंथेटिक होती है, और एरिथ्रोमाइसिन क्या हमारी ओल्डर होती है। अब इनकी वही फार्माकोकाइनेटिक्स में क्या गुड ओरल बायो अवेलेबिलिटी होती है, लेकिन अगर फूड लेते हैं ना तो फूड की वजह से इनकी अब्जॉर्प्शन सप्रेस हो जाती है। डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं, मैक्रोलाइट की डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से होती है, लेकिन यहाँ पे एजिथ्रोमाइसिन आ गया, एजिथ्रोमाइसिन की कुछ एक्सेप्शन आ गया। पहली एक्सेप्शन क्या थी कि इसकी अब्जॉर्प्शन फूड से इम्पीड होती है, दूसरी क्या थी कि जो है ये कहता है इसका जो लेवल होता है ना वो टिश्यूज़ में और फैगोसाइट में रिलेटिवली ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू प्लाज्मा, तो उसकी जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है सबसे ज़्यादा होती है। अब इसके बाद जो एरिथ्रोमाइसिन है बिलेरी एक्सक्रेशन के जरिए रिमूव होती है, क्लेथ्रोमाइसिन हिपैटिक मेटाबॉलिज्म के लिए होती है, जबकि एजिथ्रोमाइसिन अनचेंज फॉर्म है। तो वंस अगेन एक और एक्सेप्शन आ गई, अनचेंज फॉर्म, एब्जॉर्प्शन इम्पीडेड बाय फूड, और तीसरा वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा होती है। अब इसके बाद देख लेते हैं इनकी एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी। जो एरिथ्रोमाइसिन होती है ना वो कैंपाइलोबैक्टर, अब कैंपाइलोबैक्टर है क्या, कैंपाइलोबैक्टर जो नहीं किया ग्राम नेगेटिव रॉड्स रिलेटेड टू एंटेरिक नर्वस सिस्टम, माइकोप्लाज्मा ल्यूजेनिला के लिए, ग्राम पॉजिटिव कोकाई, ग्राम नेगेटिव, तो तरतीब से इस तरह से ग्राम पॉजिटिव कोकाई, ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म, और इसके अंदर भी लिखे हुए हैं ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म कौन कौन से होते हैं।
अब जो ये तो बात हुई एरिथ्रोमाइसिन की, अब एजिथ्रोमाइसिन और क्लिथ्रोमाइसिन के भी इनके लिए सिमिलर होती है, लेकिन ये ज़्यादा स्पेसिफिक होती है किसके लिए, क्लाइमीडिया के लिए, माइकोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स के लिए और टॉक्सोप्लाज्मा के लिए, टॉक्सोप्लाज्मा। तो आपने इन दोनों में डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, डिफरेंशिएट करना है। तो उसको याद करने का तरीका क्या, इसको याद करने का तरीका ये है कि आपने एक एब्रीवेशन याद कर रखनी है, उसका नाम है CMT, ठीक है। CMT, सी से कैलिथ्रोमाइसिन हो जाएगा, एम टी मतलब एम से माइकोबैक्टीरियम और टी से टॉक्सोप्लाज्मा, और जो सी से आपने कैलिथ्रोमाइसिन कहा था वो असल में क्लाइमेडिया के लिए था। अब जो एजिथ्रोमाइसिन है, कहते हैं गनोरिया के लिए भी इफेक्टिव होती है, गनोरिया के लिए भी इफेक्टिव होती है। जिस तरह प्रीवियस में मेनिंजोकोकस था उसके लिए, मेनिंजोकोकस के लिए कौन सी इस्तेमाल होती थी, मेनिंजोकोकस के लिए माइनोसाइक्लिन थी, एम से मेनिंजोकोकस, एम से माइनोसाइक्लिन थी। तो ये क्या है, गनोरिया के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है, ठीक है, अल्टरनेटिव टू सेफ्ट्रियोक्सोन, और साइफिलिस के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है। और साइफिलिस के अंदर पेनिसिलिन वैसे यूज़ करते थे, और गनोरिया के लिए सेफ्ट्रियोक्सोन यूज़ करते थे, तो उन दोनों के लिए अल्टरनेटिव ड्रग यही होती है। अब इसके बाद इनके रेजिस्टेंस मैकेनिज्म को देख लेते हैं। रेजिस्टेंस मैकेनिज्म जिस था उसमें था टेट्रासाइक्लिन के अंदर के इफ्लक्स पंप होता है, ठीक है, इसके साथ साथ वहाँ पे था कि जो प्रोटीन था, एक प्रोटीन बनती थी, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक एंजाइम होगा, ठीक है, जो मिथाइल ग्रुप ऐड कर देगा राइबोसोम की बाइंडिंग साइट के ऊपर, जिसकी वजह से ज़्यादा मिथाइलेशन की वजह से क्या होगा, मिथाइलेशन होने की वजह से ये बाइंड नहीं कर सकेगी मैक्रोलाइट वगैरह। इसके साथ क्रॉस रेजिस्टेंस भी देखने को मिलती है, मिसाल के तौर पर अगर एरिथ्रोमाइसिन अगर ज़्यादा यूज़ कर ली तो एरिथ्रोमाइसिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस आ जाती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं एक और रेजिस्टेंस का मैकेनिज्म भी है जो एंटीरो बैक्टेरियोसाई में होता है। एंटीरो बैक्टेरियोसाई का क्या मतलब है, ग्राम नेगेटिव प्रोट्स रिलेटेड टू एंटेरिक ट्रैक। तो इसमें क्या होता है, ड्रग मेटाबोलाइजिंग स्ट्रेस एंजाइम होता है जो उनको मेटाबोलाइज करके तोड़ फोड़ देगा, ठीक हो गया। अब तक तो हमने पीछे देखा था एंटी माइक्रोबल एक्टिविटी क्या थी, आपने की क्लिनिकल यूज़, क्लिनिकल यूज़ का मतलब बीमारियाँ वगैरह उस सारे बैक्टीरिया को वहाँ पर कंबाइन कर देगा, ठीक हो गया। तो क्लिनिकल यूज़ को हम कहाँ से देखेंगे, हम इनको यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ से समरी से, कि मैक्रोलाइट किन किन के लिए इस्तेमाल होती है, कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया के लिए, पर्टियोसिस के लिए, वोपिंग कफ बोलते हैं जिसको, कॉर्नी बैक्टीरियम डिफ्थीरियाई के लिए, और क्लाइमीडिया के इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल होती है। अब इसका क्या क्या होगा, इसका क्या क्या टॉक्सिटी होगी, GIT एब्सेंट है, हेपेटिक डिसफंक्शन बिल्कुल ऊपर वाले में था, लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ आ गई है, QT इंटरवल प्रोलॉन्ग हो जाएगा, और CYP450 की इनहिबिशन हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर ये एजिथ्रोमाइसिन की वजह से नहीं हो जाएगी, क्योंकि एजिथ्रोमाइसिन तो अनचेंज फॉर्म में यूरिन के अंदर एक्सक्रीट हो जाती है, तो एजिथ्रोमाइसिन के अलावा बाकी सारी क्या करती है, साइटोक्रोम P450 को इनहिबिट कर देती है। इसके बाद नेक्स्ट है टेलिथ्रोमाइसिन है, जो टेलिथ्रोमाइसिन है ये असल में क्या है, किलोइड है, किलोइड, जिनका स्ट्रक्चरली सिमिलैरिटी होती है किसके साथ, एरिथ्रोमाइसिन के साथ, ठीक है। अब इनका सेम ब्रॉड स्पेक्ट्रम होगा एरिथ्रोमाइसिन जैसा, जिस तरह एरिथ्रोमाइसिन जिनके लिए इस्तेमाल हो रही थी ये भी उनके लिए इस्तेमाल होगी, लेकिन कहती है कि राइबोसोम से ज़्यादा टाइटली बाइंड करती है, और इसका ये पुअर सबस्ट्रेट होती है फॉर बैक्टीरियल इफ्लक्स पंप्स के लिए। जब ये बैक्टीरियल इफ्लक्स पंप के लिए लो एफिनिटी रखती है, लो सबस्ट्रेट एफिनिटी रखती है, तो उसका मतलब इसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस नहीं हो पाएगी। किन किन कंडीशन के अंदर इस्तेमाल करते हैं, कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, स्पेसिफिकली ऐसा निमोनिया जो स्ट्रेन के लिए दूसरी एंटीबायोटिक कंपाउंड के लिए रेजिस्टेंस रखता था, उनके लिए इस्तेमाल होती है। इसके साथ साथ टेलिथ्रोमाइसिन क्या करवाती है, क्लिथ्रोमाइसिन भी क्यूट इंटरवल को प्रोलॉन्ग कर देती है, और ये CYP3A4 को इनहिबिट कर देती है, जिस तरह वो कर रही थी। इसके बाद है क्लिंडामाइसिन, है क्लिंडामाइसिन क्या करती है, प्रोटीन के सिंथेसिस को इनहिबिट कर देती है, सेम मैकेनिज्म जो मैक्रोलाइड के लिए था, लेकिन ये केमिकली रिजेंबल नहीं करती। अब इसका रेजिस्टेंस का मैकेनिज्म क्या होगा, वही सेम है कि मिथाइलेशन हो जाती है या एंजाइमेटिक इनएक्टिवेशन हो जाती है, ठीक है, एंजाइमेटिक इनएक्टिवेशन स्ट्रेस वहाँ पे था, ठीक है। कहते हैं कि जो ग्राम नेगेटिव एरोब्स होते हैं वो ज़्यादा रेजिस्टेंट होते हैं, क्यों, क्योंकि वहाँ पर कहते हैं कि वहाँ पर ग्राम नेगेटिव के अंदर आउटर मेम्ब्रेन होती है, जिसकी वजह से इनकी परमिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा कम होती है। अब इनके क्लिनिकल यूज़ को हम यहाँ से देख लेते हैं, कौन सा हम क्लिनिकल यूज़ कर रहे थे, क्लिंडामाइसिन का, ठीक है। तो क्लिंडामाइसिन क्या, लिनकोसामाइड ग्रुप से आती है, तो ये स्किन, सॉफ्ट टिश्यू और एनारोबिक इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल होती है, एरोबिक नहीं लिखा हुआ, एनारोबिक लिखा हुआ, ठीक है। जबकि वहाँ पर जो था टेलिथ्रोमाइसिन, तो टेलिथ्रोमाइसिन क्या थी, कीटोलाइड थी, कीटोलाइड वैरायटी से बिलोंग करती थी, तो उसका इधर ही लिखा हुआ है इस टेबल के अंदर। अब इसके बाद नेक्स्ट है स्टेप्टोग्रामिन्स, स्टेप्टोग्रामिन्स होती है, तो स्टेप्टोग्रामिन्स में क्या सी आती है, ये दो स्टेप्टोग्रामिन्स का एक कॉम्बिनेशन होती है, जिनको बोलते हैं क्यूनोप्रोस्टीन और डेल्फोप्रोस्टीन है, डेल्फोप्रोस्टीन है, ठीक है। इन दोनों को मिला के क्या बनती है, दो स्टेप्टोग्रामिन्स बनती है, ये बैक्टेरिसिडल होती है, और कहते हैं इनका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो ज़्यादा लंबा होता है, ठीक है, अगर इन दोनों को कंबाइन करके इस्तेमाल करते हैं। अभी किन किन के अंदर इस्तेमाल होती है, इसको भी हम यहाँ से देख लेते हैं, ये किन के अंदर इस्तेमाल होती है, स्टेफानोकोकस के इन्फेक्शन के अंदर इस्तेमाल होती है, और वेनकोमाइसिन रेजिस्टेंट एंटीरोकोकस फिसियम, ठीक है, इनके लिए इस्तेमाल होती है।
कौन इस्तेमाल होती है, ये साइटोक्रामिन से दोनों को इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल होती है। इसी तरह ये क्या करती है, साइटोक्रोम P450 की इनहिबिशन करवा देती है, और ज़्यादा अगर ले ले तो जॉइंट का पेन जिसको आर्थ्रालजिया बोलते हैं, मसल का पेन जिसको माइलजिया बोलते हैं, ये हो सकता होता है। इसके बाद है क्लोरामफेनिकोल है। क्लोरामफेनिकोल क्या होती है, क्लोरामफेनिकोल क्या करती है, आपको बताया था यहाँ से क्लोरामफेनिकोल सबसे पहले लिखा हुआ था कि ट्रांसपेप्टिडेशन को ब्लॉक करती होती है क्लोरामफेनिकोल। अभी किन किन के लिए इस्तेमाल होती है, वाइटल स्पेक्ट्रम होता है, बैक्टीरियोस्टैटिक होती है, तो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा है, नेजेरिया मेनिनजाइटिस है, बैक्टीरियोइड्स तीनों के तीनों ग्राम नेगेटिव है, ठीक है, इनके लिए काम करती है, इनके लिए बैक्टीरियोसाइटल का वजह का काम कर सकती है, बाकी सबके लिए बैक्टीरियोस्टैटिक वाला काम करती है। इसके अगेंस्ट अगर रेजिस्टेंस होनी है तो रेजिस्टेंस के लिए क्या मैकेनिज्म है, प्लाज्मिक मीडिएटेड रेजिस्टेंस होती है कि वहाँ पर एक एंजाइम बनता होता है एसिटाइल ट्रांसपेरेज जो इस ड्रग को इनएक्टिवेट कर देता है। अब इसे क्लिनिकल यूज़ क्या है, क्लिनिकल यूज़ हम यहाँ से देख लेते हैं, वाइडर स्पेक्ट्रम होता है लेकिन उसको वापस बैकअप के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। बैकअप का मतलब क्या होता है कि पहले हम टेट्रासाइक्लिन यूज़ करते हैं, अगर ये काम नहीं करी, मैक्रोलाइट काम नहीं करी, तब हम इसको यूज़ करते होते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है ऑक्सैलोडाइनोल्स। अब इसके अंदर एग्जाम्पल आती है लिनोजोलाइड की और टेडीजोलाइड की। अभी दोनों ने करना क्या है, दोनों ने 23S राइबोसोमल आरएनए पर जाके बाइंड करना है, ठीक है, 50S का भी 23S आरएनए सब यूनिट। अब ये बैक्टीरियोस्टैटिक होती है, किसके अगेंस्ट यूज़ करते हैं, मर्सा का मतलब है मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्ट्रेन है, PRSP का मतलब है पेनिसिलिन रेजिस्टेंट स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, VRE का क्या मतलब है, वेंकोमाइसिन रेजिस्टेंट एंटीरोकोकस, इनके लिए इस्तेमाल होती है। मतलब जिनके अगेंस्ट पहले से रेजिस्टेंस आ गई है, चाहे पेनिसिलिन के रेजिस्टेंस है या दूसरी चीज़ों की रेजिस्टेंस है, वेंकोमाइसिन के रेजिस्टेंस है, उनके लिए इस्तेमाल करती है। कौन यूज़ करती है, लिनोजोलाइड और टेडीजोलाइड। अब इसका क्या होगा, कहती है कि अगर हम टेडीजोलाइड को लेते हैं किसके साथ, SSRI के साथ, तो सीरोटोनिन सिंड्रोम हो सकता है। सीरोटोनिन सिंड्रोम क्या होता है वो हम कवर कर चुके हैं हिस्टामिन वाले चैप्टर के अंदर। इसके साथ साथ ऑप्टिक न्यूराइटिस भी हो सकता है, ठीक है, ऑप्टिक न्यूराइटिस भी हो सकता है और ऑप्टिक न्यूरोपैथी भी हो सकती है, ठीक है, अनीमिया वगैरह हो सकता है। तो ये था इस चैप्टर का बेसिक ओवरव्यू। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अल्लाह हाफिज़। थोड़ा ब्लर होगा।